नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गर्मियां आते ही होने लगती है टैनिंग, ऐसे पाएं छुटकारा के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। गर्मियों में त्वचा पर टैनिंग होना आम बात है। टैनिंग से न सिर्फ महिलाएं बल्कि दिन भर बाहर रहने की वजह से पुरुष भी इस समस्या से जूझते हैं। लेकिन इन घरेलू उपायों की मदद से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। बेकिंग सोडा। टैनिंग से निजात दिलाने के लिए बेकिंग सोडा काफी असरदार रहता है। इसमें मौजूद सोडियम कार्बोनेट त्वचा संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा को थोड़े से पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद चेहरा धो लें, इससे आपको फर्क महसूस होगा। संतरा। संतरे में मौजूद तत्व टैनिंग हटाने के साथ साथ त्वचा को गोरा और कील मुहासे हटाने का काम भी करते हैं। इसके लिए 2 चम्मच संतरे के रस में हल्दी मिलाएं और इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से इसे धो लें। हफ्ते में 2-3 बार इस मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद और नींबू। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें। ये उपाय आपको काफी जल्दी टैनिंग से छुटकारा दिलाता है। एलोवेरा। टैनिंग से छुटकारा पाने के लिए एलोवेरा काफी अच्छा उपाय है। इसके लिए एलोवेरा जेल को करीब 15 मिनट के लिए प्रभावित हिस्सों पर लगा ए और फिर धो लें। हफ्ते में 2 बार करने से आपको फर्क मालूम पड़ेगा। दही। दही में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो टैनिंग हटाने के साथ साथ त्वचा की रंगत बढ़ाते हैं। इसके लिए दही में हल्दी और बेसन मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। सूखने पर इसे धो लें। टैनिंग होने पर इसका इस्तेमाल रामबाण माना गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।